नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो बिटिया। माय सेल्फ डॉक्टर भगराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। टुडे वी डिस्कस अबाउट हरित की, ऑल्सो नॉन एज हरड़, हरित की हरड़। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बॉटनिकल नेम टर्मिनेलिया चीबुला। यू शुड लर्न द बॉटनिकल नेम टर्मिनेलिया चीबुला, आपको याद होना चाहिए। टर्मिनेलिया चीबुला फैमिली कॉम्प्रेटेसी, दोनों ही सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेलिया चीबुला एंड फैमिली कॉम्प्रेटेसी फैमिली, हरित की कुल भी कह सकते हैं उसको, हरित की कुल। इफ यू टॉक अबाउट क्लासिकल कैटेगराइजेशन, फर्स्टली चरक, चरक मेंशन हरिकीन प्रजा स्थापन महाकशा, प्रजा स्थापन महाकशा। सेकंड ज्वरग्न महाकशा, थर्ड इज कुष्ठग्न महाकशा एंड फोर्थ इज अशोकग्न महाकशा। द ऑल आर इम्पोर्टेंट, प्रजा स्थापन महाकशा, ज्वरग्न महाकशा, अशोकग्न महाकशा एंड कुष्ठग्न महाकशा। सुश्रुत मेंशंस हरिकीन प्रफुल्लादिगण, आमलक्यादिगण, परुष्कादिगण एंड त्रिव्रतादिगण। हिंदी में हम इसे हरड़ बोल देते हैं। लेट सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। Historical account, once upon a time, Bhagwan Daksh Prajapati was on the chair. The two Ashwini Kumar asked him, "Hey Bhagwan, what is the source of Harit ki? How many varieties are there? How many names are there? What is the lakshan of them? What is the color of it? Which type of Harit ki should be used in diseases?" The Lord Daksh Prajapati said, "The Lord Indra was drinking Amrit. One drop had fallen from the mouth on the earth. From this divine drop of Amrit, the seven variety of Harit ki comes into existence. According to the Mantri Nikatu, that which comes from Vishnu Lok, always fresh and active, curbs all, cures all diseases." This is historical account of Harit ki Harad. Let's see the Pryay synonyms of Harit ki and its meaning. First, Harit ki removes all diseases, so it is called Harit ki. Remove all diseases, so it is called Harit ki. Abhya, that which protects the person from fear of diseases. Abhya, jise bahirahit karte bhaisajan karte, it is called Abhya, that which protects the person from fear of diseases. Pathya, cleanses the body channels. Matlab jo shrotashon ko, जो अपने शरीर के सोतस हैं उनको साफ करे, उनके मलों को दूर करे, दैट इज कॉल्ड पथ्या। कायस्था, स्टेबलाइज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। स्टेबलाइज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कायस्था। एंड पूतना, दैट विच क्लीन्स आउट द विटिशेटस दोष, दैट इज कॉल्ड पूतना। दैट विच क्लीन्स आउट द विटिएटेड दोष, जो बड़े हुए दोषों को दूर कर दे, दैट इज कॉल्ड पूतना। अमृता, रिजुनेट्स द लाइफ लाइक दैट ऑफ डिवाइन नेक्टर। रिजुनेट द लाइफ लाइक दैट ऑफ डिवाइन नेक्टर। हेमवती, ग्रोज एवरीवेयर एंड इन हिमालय अप टू 1500 फीट। हेमवती, ग्रोज एवरीवेयर एंड इन हिमालय अप टू 1500 फीट। अव्यथा, इट विल नॉट कॉज एनी पेन और साइड इफेक्ट ड्यूरिंग इट administration. Avyatha, it will not cause or any pain side effect during its administration, that is called avyatha. Chetki, that which gives life or activates mind, that is called chetki. Shreshi, well known and well praised drug in Ayurveda, that is called shreshi. Shiva, gives prosperity, that is called shiva. Vayastha, that which delays aging process, that is called vayastha. Vijaya,
दैट विच ओवरकम्स डिजीजेस दैट इज कॉल्ड विजया, जीवंती दैट विच गिव्स लाइफ एंड गुड हेल्थ दैट इज कॉल्ड विजीवंती, रोहिणी स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन और दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, रीजनरेट टिश्यूज एंड हील्स वुंड दैट इज कॉल्ड रोहिणी, अमोघा इट एक्ट्स ऑन डिजीजेस विदाउट फेल और हैज डेफिनेट एक्शन दैट इज कॉल्ड अमोघा, प्राणदा इम्प्रूव वाइटल एनर्जी एंड गिव स्ट्रेंथ, प्राणदा मीन्स इम्प्रूव वाइटल एनर्जी एंड गिव स्ट्रेंथ दैट इज कॉल्ड प्राणदा, पंचभद्रिका द फ्रूट्स कंटेंट्स फाइबरस एक्सेप्ट लवण, पंचभद्रिका, प्रवथा एलिमिनेट्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम द बॉडी, दैट ऑफ ऑल अबव इज सिनोनिम्स एंड इट्स मीनिंग ऑफ हरित की. Now we see main features of Haritki. Haritki tree grows everywhere including in Himalaya region up to 1500 feet. The fruits have five rasas except lavan ras. It eliminates impurities act as rasayan. Ved varieties. Bhavaprakash Nigantu mentions seven varieties of Haritki as follows and it is also important. There are seven varieties. First is Vijaya. Vijaya, origin, place of origin or from where it is obtained is Vindhya, Vindhya Pradesh. Vijaya obtained from Vindhya and shape Alabu, Vrat or oval shape. Alabu, Vrat or oval shape Saru Roga. Saru Roga ko dur karne wali hai. Rohini, Jhansi se milti hai. एंड व्रत और राहुल एंड व्रण को दूर करती है, व्रण में उपयोगी है. पूतना सिंध से मिलती है और सूक्ष्म होती है, अस्थि में होती है और स्मॉल होती है. ये प्रलेप में यूज होती है, प्रलेप मतलब लेप करने के यूज होती है. अमृता मध्य प्रदेश से मिलती है, मांसल होती है और फ्लैशी और मांसल होती है और ये शोधन करती है. अमृता क्या करती है, शोधन करती है. अभया अभया चंपारण से मिलती है और पंचरेखा युक्त होती है. अभया फाइव स्टेशन होते हैं और नेत्र रोगों को दूर करती है. जीवंती सौराष्ट्र देश में मिलती है, स्वर्ण वर्ण की होती है, गोल्डन येलो और सारे रोगों को दूर करती है. चेतकी हिमालय में मिलती है एंड त्रिरेखा युक्त होती है, थ्री स्टेशन होते हैं और ब्रेचन करती है. These are the all about the seven varieties of Haritki, its places and its specificness and all indications. Botanically, there are two species, Terminalia cibula and Terminalia citrina. This is found in Assam, West Bengal, grows of height of 50-80 feet. The properties of these species are similar. In common practice, we are getting three varieties according to the different stages of development of the fruit of the same plant. Choti Haritki, the immature, tender and green fruit that fall off tree from the tree, these are collected and dried. On drying it become dark in color. Teak Haritki, these are the fruit which are plucked from the plant when they are partially ripened. Badi Haritki, they are well developed and mature fruits. These are the these species of Haritki fruit, not variety. Okay, and habitat Uzbekistan, commonly found in deciduous forest areas throughout the India and in hilly areas up to about 5000 feet. It is common in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bengal, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra. Flowers during April to August and the fruits ripen from October to January. Habit Swarup, a large deciduous tree with thick dark brown bark. Young parts, rusty pubescent, leaves 2 to 6 inches long. Distant, mostly sub-opposite, ovate or elliptic, usually acute, rounded or sub-acute. The base more or less hairy when young. Laterally nerves arcuate, prominent, petiole not exceeding 1 inch with two or more glands. At its apex on the upper side. The spikes terminal, often panicled, bracts conspicuous, exceeding the flower buds, coriaceous. Flowers are
two sexual sessile cell white or yellow, a strong scented calyx lobes triangular, cloth with brown woolly hairs inside, filaments far at the tail drop 1 to 1.5 inches long, ovoid or obovoid from a lunate base, glabrous, more or less fibrous when dry. Upyukt ang or part used for rind of the fruit without seed. Description of the rind of the seed without rind of the fruit without seed. And description of the part intact fruit yellow brown ovoid 20 to 35 mm long, 13 to 25 mm wide, wrinkled and ribbed longitudinally, pericarp fibrous 3 to 4 mm thick, non-adherent to the seed. Cast astringent powder brownish in color, under microscope shows a few fibers, vessels with simple pits and group of celerids. Good. Kashai Pradhan, Lavan Vargit Cedrus. Lavan Vargit Cedrus. Gun Lagu and Ruksh. Kashai Pradhan Lavan Vargit Cedrus is Ras. Gun Lagu Ruksh Vipak Madur. Virya Ushna Prabhav Telu Shama. Pradhan Ras perceived in different part of the foods. Palmaja, Pericarp, Virjoka, Madur. Palmaja, Pal Asti, Fibrous Part, Kashai. Pal Snayu, Pericarp, Endocarp, Amla. Pal Twak, Pericarp, Katu. Pal Vranth, Peduncle, Thick. Dosh Kamta, Dosha. Rogaganta ya Rok Shamatha, Pharmacological Actions, Rasayan, Chakshushya, and Ayurvardha, and Prangana, Anuloman, and Swasagna, and Kasagna, Karmigna, Pramehagna, Ashogna, Pustagna, Shodhagna, Udak Kramigna, and Swayar Vedhar, and Dehanihar, and Vishagna, Visham Jwaragna, Gulmagna, Adhmanhar, Krishna Nigrahan, Shardi Nigrahan, Hitka Nigrahan, Kandugna, Harjarogar, Amlahar, Shulagna, Anahar, Lehagna, Yukradatejak, Ashmeghna, Mutra Krach, Nivarak, Mutra Gathar, and Varan Shodhan. Balya, Methe, Deepan, Pachan, and Mrduraja. These all are the pharmacological actions of Haritki. Now, action of Haritki according to mode of administration. Chewed and swallowed, increasing Jathagni, and grained of marble slab, and taken excess Shodhan Dravya. Administrating after boiling relieves constipation, when fried and given excess Dushan. Taken along with food excess Balya, Methe and Indriya Vikshit Kar. Taken with Lavan excess Kapagna. Take with Sarakra excess Pittagna. Take with Dhrit excess Vata. Take with good excess Sarurogha. Amic Priyog therapeutic uses. Haritki is the best Mrdurechak Dravya without any complications, and there is no contraindication of this action. In all the types of jwar, Haritki is given with Ghrat, Madhu and Tail. In cases of Kafaj Atisar, Haritki Churan gives with Sandhav Lavan, Sundhi along and Madhu and Sharakta. For Vatanu Loman, Haritki, Pipli Mol, Bilb is given. In all types of diarrhea, Chatusam Modak prepared with Haritki, Sundhi, Mustak and good in equal quantity is useful. Haritki and good should be given regularly in case of Amdosh, Ajeen, Arsh and Malbad. In Arsh, Haritki kept in Gomutra mixed with good should be given. Takra may be used as Anupan, Haritki fried in Ghrat mixed with good, Vipali or with Trivrat and Danti is used in Arshas. In case of Arsh, Haritki cooked in Gomutra and given with Madhu. In Daktar, Haritki is given with Raksha. It is also useful in Kandu, Pathic Gulf and Jwar. In Hikka, Haritki should be given with Ushnodak, Anushnodak, Haritki and Bidlavan and Hingu cooked in
पुराण ग्रंथ एंड यूज्ड इन तमक्ष्वास कास हिक्का एंड रिद्धरोग इन कपल्स पांडुवाहिकी इज यूज्ड आफ्टर गिविंग भावना विद गोमूत्र इन कामला इक्वल पार्ट ऑफ हरिक्की हरिद्रा एंड लो भस्म मिक्स विद मधु एंड ग्रंथ एंड शुड बी टेकन इन कामला हरिक्की फाउंडेड विद गोमूत्र और त्रिफला कुक्ड विद गोमूत्र टू बी गिवन इन यकृत क्लेहावृद्धि इक्वास इज प्रिपेयर्ड विद हरिक्की एंड रोहितक मिक्स्ड विद यवक्षक्रा एंड पिपली शुड बी गिवन इन मॉर्निंग ए बॉलस मेड ऑफ हरिक्की टिल गुड एंड बल्ला तक रिलीव पुष्ट हरिक्की कुक्ड इन गोमूत्र रिलीव शोथ पांडुरोग गुल्म प्रमेह कफ एंड पुष्ट इन प्रमेह हरिक्की एंड तक इज यूजफुल हरिक्की चूर्ण विद मधुर इज ऑल्सो यूजफुल इन परिणाम शुल हरिक्की लो भस्म एंड शुंठि इज गिवन विद मधु एंड ग्रत इन वात व्याधि हरिक्की गुगलू एंड शिला जेतु इज टू बी यूज रेगुलरली फॉर रसायन एक्शन हरिक्की शुड बी गिवन विद डिफरेंट अनुपान इन डिफरेंट ऋतु एज फॉलो बसंत ऋतु विद मधु एंड शिशिर ऋतु विद पिपली ग्रीष्म ऋतु विद गुड़ वर्षा ऋतु विद सैंधव शरद ऋतु विद शर्करा हेमंत ऋतु विद शुंठि इन त्रिदोष डिजीज हरिक्की शुड बी गिवन विद द डिफरेंट अनुपान एज फॉलोज कफज रोग लवण पित्त रोग शर्करा वात रोग ग्रस्त हरित मात्रा डोज हरिक्की चूर्ण 3-6 ग्राम एंड बला हरिक्की चूर्ण 1-3 ग्राम फॉर रसायन 1 ग्राम औषधि योग फॉर्मुलेशन अभियारिस्ट अगत्य हरिक्की रसायन चित्रक हरिक्की दंती हरिक्की दशमूल हरिक्की ब्रह्म रसायन त्रिफला चूर्ण त्रिफलादि तेल अभियालवण पथ्यादि लेप व्याघ्र हरिक्की पथ्यादि वटी पथ्यादि क्वाथ अभ्यादि मोदक पथ्यादि चूर्ण अभ्यादि हरिक्की खंड पथ्यादि ग्रत पथ्यादि सड़ंग क्वाथ दीज आर ऑल फॉर्मुलेशन विच मेड बाय हरिक्की मॉडर्न फार्मेकोलॉजी यूज एज एन इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट इन टूथ पाउडर यूज इन स्पंजी एंड अलरेटेड गम्स अल्सरेटेड गम्स ड्राइड अनरिप्ड फ्रूट एक्ट एज ए जेंटल ऑक्सीडेटिव ऑइंटमेंट विद ऑपियम यूजफुल इन ब्लीडिंग पाइल्स प्रिपरेशन compound myrobalance, myrobalance and small myrobalance ointment, small myrobalance and opium ointment. Contraindications, Hariki is contraindicated in person who are atishin, ruksh, atikrash, langan, karshit, weak and emaciated and in whom rakt mokshan is done and pittadike yukta and garvati mukshot having trishna suffered from navjwar and the person suffering from anustam because the dravya is predominant with kashayas and oshnavirya because of which the above condition may be vitiated test for good variety of hrithi the hrithi should be fresh snigdh guru oval and put in bowl in of water it should be get immersed and the weight should be above 1.5 tola or equal to 2 vidhi proof chemical compositions tannin anthraquinones and polyphenolic compounds bhav prakash nigantu says hariki abhya patya kayasa putana amrita neemvati vetha chapi chetri sreshi shiva vayastha vijaya cha api jivanti rohini cha विजया रोहिणी चैव पूतना च अमृताभिया जीवंती चेतकी चेति पथ्याया सप्त जाते विजया सर्वरोगेशु रोहिणी व्रण रोहिणी प्रलेपे पूतना योजा शोधनार्थे अमृता हिता अक्षी रोगे अभया शस्ता जीवंती सर्वरोग हृत चूर्णाते चेतकी शस्ता यथा युक्तम प्रयोजे चेतकी द्विविधा प्रोक्ता श्वेता कृष्णा च वर्ण षड अंगुलायता शुक्ला कृष्णा तो एक अंगुलाता स्मृता काचित स्वाद मात्रेन काचित गंधेन वेदे काचित स्पर्शेन दृष्ट्या अन्या चतुर्धा वेदित्वा चेतकी पादक छायाम उपसर्पंती ये नरा विद्यन्ते तत्क्षणादेव पशु पक्षी मृगादय चेतकी तु गता हस्ते यावत् तिष्ठन्ते देहिदे तावत् विद्येत वर्गेस्तु प्रभावात् तत् संशय नृपाणां सुकुमाराणां कृष्णानां भैषज विषम भैषज द्वेषिणां चेतकी परमाशस्ता हिता शुक विरेचने सप्तनाम अपि जातिनाम प्रधानाम विजया स्मृता सुख प्रयोगा सुलभा सर्वरोगेषु शस्यते
हरित की पंचरसा ए लवणा तुवरा परम। रुक्षो उष्णा दीपनी मेध्या स्वादु पाका रसायनी चक्षुषा लघुर आयुषा भ्रंगणी च अनुलोमनी श्वास का प्रमेह अर्श पुष्ट शोत उदर कमीन वैश्वर्य गृहिणी रोग विबंध विषम ज्वरान गुल्म आत्मान छर्दी हिक्का कंडु हृदाम्यान आमलाम शूलम आना प्लीनाश्च यकृत्था अश्मरी मूत्र कृच्छे मूत्राघात नाशे। दिस इज क्लासिकल रेफरेंस ऑफ वास्का श्रीमंतु। दिस इज द डिसर्टेशन पावर्ड बाय गूगल जीरो ज्योति विद्यापीठ गोविंद यूनिवर्सिटी। आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स। I will resolve soon. Thank you.